हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम आप मुझे बताओ कि अपने टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हो स्टडी के, और जो भी यूट्यूब्स वीडियोस हैं एंड आपका डे कैसे जाता है, क्या करते हो आप पूरे दिन, कैसे स्टडीज़ करते हो, क्या करते हो मुझे बताओ। तो मैं आज मैंने वोटिंग कराया था कि सेंटर को ये ब्लॉक करा जाए या नहीं, तो बहुत से स्टूडेंट ने सपोर्ट करा कि हाँ करो करो करो, तो मैंने ये वीडियोस बनाया। तो मेरा बस ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, बहुत ही कम है, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट लिख दिया है, और मैं आपको ये सारे काम करके दिखाऊंगी, मतलब जो भी टाइम होता है यू नो। तो यही है ब्लॉग में, इस ब्लॉग में तो चलते हैं। मेरा फर्स्ट काम क्या होता है, मेरा फर्स्ट काम होता है कि जो भी मैं 12 बजे सोती हूँ, तो सुबह 9, 8, 9, 9:30 ऐसे डेली जगती हूँ मैं। ओके, और अपने फॉलो करती हूँ जो भी डेली रूटीन होता है अपने इस मंथ का, चाहे ठीक है उस मंथ का। तो उसके बाद से इस बीच खाना पीना ब्रेकफास्ट यू नो इधर उधर के काम में 1 बज जाते हैं, तो मैंने अपने स्टडी का टाइम रखा है 1 बजे से, ताकि मैं लंच भी कर पाऊँ, करने के बाद ही स्टडी पे फोकस करूँ। तो मैं 1 बजे से 2:30 बजे तक मैं MCS 13 पढ़ती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, जो कि आज मेरे को कवर करना है ब्लॉक 2 का यूनिट 1। ओके, जो जिसमें मेरा 2 पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ कि वॉच वीडियोस रिलेटेड मुझे करना होता है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि वीडियोस देखना होता है और उसका प्रैक्टिकल, यानी मैं खुद के कॉपी पे लिखना यू नो है ना, वो सब करती हूँ। सेकेंड है 3 बजे से 4:30 बजे तक मैं वर्क करती हूँ अपने MCS 11, यानी सी प्रोग्रामिंग पे, जिसमें मेरा बुक है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें मुझे सी से इंट्रोड्यूस कराना होता है खुद को, और प्रोटोजन सी डैट है ना, जो भी मैंने टॉपिक्स है एरे पॉइंटर फंक्शन यू नो हेडर फाइल जो भी है वो उसको कवर करना होता है, उस बुक में वो काम करना है। तो मैं उस पर जो भी वीडियोस देखती हूँ और उस पर अपना प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिकल करती हूँ, ठीक है। एंड मैं 4:30 से 5:40 तक मैं अपने कोई भी वीडियोस जो भी यूट्यूब पे डालना होता है उस पर वर्क करती हूँ एंड उसको मेक करती हूँ, खुद को रिलैक्स करती हूँ यू नो। इतना टाइम पढ़ने के बाद खुद को रिलैक्स, एक जगह बैठे रहने से किसी भी इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है ना, दैट्स व्हाई मैं खुद को रिलैक्स करती हूँ, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे कि कोई साइकिल वगैरह मैं चलाना सीख रही हूँ, सो मैं चलाती हूँ। एंड फोर्थ है कि 6 से 8 मैं असेंबली पे वर्क करती हूँ, ठीक है, जो जिसमें आज मेरा वर्क है ब्लॉक 1 यूनिट 3 का, विच इज़ लॉजिकल सर्किट, वो और के मैप वगैरह मेरे मुझे सॉल्व करना होता है इसमें, ठीक है। तो वही मैं असेंबली पे वर्क करती हूँ, जिसमें मुझे आज लॉजिक सर्किट पे वर्क करना है, बहुत पीछे चल रही है सब्जेक्ट मेरा, तो मैं उस पर फोकस करने की कोशिश तो कर रही हूँ बट आई कांट। देन ओके, 5 नंबर है कि मैं 8 to 11 यानी 8 बजे से 11 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क करती हूँ, जैसे कुछ भी वीडियोस देखना यूट्यूब पे, तो और फिर जो भी कुछ वीडियोस वगैरह देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ अपने रील्स वगैरह या कोई भी फोटोज़ वगैरह डालना है ना, कुछ भी सोशल मीडिया पे रहती हूँ, और फिर या किसी का कॉल आया हुआ होता है तो उसको रिसीव करके काम करती हूँ, जो भी बात वगैरह होता है फैमिली मेम्बर से बात या फिर कुछ भी, ठीक है। एंड 6 नंबर है कि 11 to 15 से 12 बजे तक वर्क करती हूँ प्रोग्राम पे, फिर प्रोग्राम पे मैं वर्क करती हूँ, क्योंकि मेरा वो बहुत पीछे से आए क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझ नहीं आता है, मतलब नर्स हूँ तो थोड़ा यू नो। एंड 7 नंबर है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 12 बजे के बाद मैं सो जाती हूँ, 9:30 बजे, एंड देन फॉलो माई डेली रूटीन, ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से 1 बजने वाला है, 12:30 बज रहा है। यू कैन हेयर लाइक सी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब 12:31 हो रहा है। 1 बजे से स्टार्ट करेंगे अपना अपना सेशन। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एनसीएस 013 का सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर स्टार्ट करा है। तो मैं ये वीडियोस देखूंगी एंड देन आप लोग से मिलती हूँ। तो पूछे अब मैं जा रही हूँ खुद का प्रैक्टिस करने। मतलब जो भी मैंने पढ़ा वो मैं अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करूँगी। तो मिलते हैं अपने कॉपी पे। इसका सोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है? जैसे कि हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने उतार दिया। ए इंटर बी इंटर सी, ए इज एन इक्वल ए इंटर बी, ठीक है, इंटू सी इंटू इंटर टू सी। तो इसका सोल्यूशन मैंने करा, इसका सीधे से सीधे उल्टा हो जाने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ इंटर था तो यहाँ यूनियन लग जाएगा, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज एन इक्वल ए यूनियन। यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा उसी में का दूसरा क्वेश्चन था, ए यूनियन बी इंटर लॉक और ए यूनियन सी। तो सिर्फ सिंपल है, वैसे हमें करना होता है। तो पहले यूज़ नहीं करना होता है एक्चुअली। यहाँ बी एंड
ए हो, ठीक है, ए है तो ए हो जाएगा, सिंपल है। चलो अब टाइम हो चुका है, पहले मैं दो तीन क्वेश्चन और सोल्यूशन कर लेती हूँ, तब तक मैं सोल्यूशन के बाद आप लोग को मिलती हूँ प्रोग्रामिंग वाले। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टारगेट अपना कंप्लीट कर चुका है, तो मिलते हैं अपने जो प्रोग्रामिंग वाले, जो भी हमने आज प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग के वीडियोस में मिलते हैं। सो लेट्स गेट, आज हम देखेंगे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी। चलो ये तो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए तो 150, तो क्या 150 वेरिएबल्स बनाओगे? नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ पॉसिबल है, लेकिन एक प्रोग्रामर ऐसे चीज क्यों ही करे कि उसका टाइम भी वेस्ट हो, प्रोग्राम का लेंथ भी बढ़ जाए और मैनेज भी ना कर पाए। तो यानी उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। ये लैंग्वेज प्रोवाइडर से कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर्ड डेटा टाइप्स को ओवरकम, यानी सी लैंग्वेज के पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। Array is one such data structure, type of array, having the same data. Agar, ये language क्या है? यहाँ पे individual array है, यहाँ पे जो उसका memory है, वो एक साथ है। आपको Why is array? Array जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया, तो मैंने एक प्रोग्राम को लिखा है, तो अब चलते हैं कि प्रोग्राम में क्या करते हैं। ठीक है, मैंने अपने इसी के लिए सहूलियत के लिए मैंने ये सब डाला। ठीक है, देन चलते हैं इसको कंपाइल कराते हैं थोड़ा। ठीक है, सो वी गेट दैट, तो मुझे कह रहा है कि सेव करने को, तो मैं सेव कर देती हूँ सेफली, एंड देन मैं कंपाइल कर रही हूँ। वेयर इज कंपाइलिंग, हियर, एंड देन व्हाट आई फाउंड, ओ एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर है। आई होप नाउ यू बेटर चैन, ओहो गेट से एच यहाँ यूज़ नहीं होता है। मैं देखती हूँ अगेन व्हाट्स एरर। ओके, सो हियर लाइक लुक दैट, नो एरर, नो वार्निंग, एंड आउटपुट के लिए ये रेडी है। तो आउटपुट देते हैं, सी आउटपुट, हियर हियर आउटपुट, एंटर द एलिमेंट, 100, 200, 300, 400, चलो जैसे मैंने जो भी चाहे तो टाइप कर सकती हूँ। ओके, सो मैंने प्रोग्रामिंग भी कर लिया, एंड देन मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। दो बजे वाला काम भी कर लिया, अब बचा ये तो ऑलरेडी मैं कर लूँगी। अब करते हैं ये, एक्चुअली मैं ये सब तो दिखा नहीं सकती कि MCS 12 में मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं ये काम करने के बाद यहाँ पे आई हूँ, और मैं ये कि टिकआउट कर देती हूँ। और ये ऑफकोर्स ये तो हम लोग से छुपा हुआ नहीं, ये सब हम लोग काम करते हैं। So thanks for watching my videos, and stay safe, stay healthy, please like my videos, क्योंकि ये बहुत ही requested video था आप लोगों के लिए, so मैंने time निकाल के ये videos बनाया है। So videos को like कर दें, subscribe कर दें,
और शेयर ज़रूर करें।